सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण और मैं हूं अंजलि। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बाबुल मूवी का जो ऑफिशियल ट्रेलर आया है उस पर रिएक्शन करने के लिए। ये काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप बाबुल के ऊपर क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हो, और अभी क्या है ना, एक्चुअली क्या है, हम लोग थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं तो इसलिए हमारे पास अभी टाइम नहीं हो पा रहा है। बट आपके लिए ही हम लोग ये वीडियोज़ लाते हैं और आपके लिए ही ये सब चीज़ें कर रहे हैं। सो आपकी बात तो हमें माननी पड़ेगी। क्यों? बिल्कुल। तो ये जो बाबुल मूवी आ रही है ये अवधेश मिश्रा जी हैं, और जो उनको कौन नहीं जानता है, ऑब्वियस है। और ये जो मूवी है ये प्रोड्यूसर हैं खुद अवधेश जी ही इस मूवी को बना रहे हैं, तो काफ़ी देखना अच्छा रहेगा। ये एक बाप के ऊपर मूवी है, जो कि इस दुनिया में बाप से बड़ा कोई नहीं होता। क्यों? बाप हर जगह क्या होता है, माँ को आगे रखा जाता है, माँ को हर चीज़ में याद किया जाता है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो माँ से जुड़ा होता है, और बच्चा खुशी में भी माँ को याद करता है, रोते हुए माँ को याद करता है। पर एक बाप जो होता है वो एक ऐसा पिलर होता है जो पीछे खड़ा रहता है और हमेशा माँ बेटी उन सबको सपोर्ट करता है। तो ये मूवी भी एक बाप के ऊपर ही है। तो पहले ट्रेलर देख लेते हैं, देन फिर उस पर रिएक्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 एंड गो। बाबू अब रोइएगा मत। बाबुल गरीबी और गुलामी के दलदल में फंसे एक ऐसे पिता की कहानी है जिसकी दो मासूम बेटियां ही उसके जीने की आस है। हम तुमको अपना नियम मरे नहीं देंगे, हम तुमको बचाएंगे, हम अपना बेटी को पढ़ाएंगे। जोना दिन तुमरा ससुराल वाला के स्वाद लगेगा ना, उंगली चाट लेगा उसका, उंगली बुझी। तो गाइज यहाँ पर मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहता हूँ। इसमें जो अभी एक सीन आया था कि जो बाप बोलता है कि हम आपको पढ़ाएंगे, मतलब अगर एक माँ बाप ने सोच लिया कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँगा तो उससे बड़ा उसकी लाइफ में कोई और काम नहीं है, शादी भी उससे बड़ा कोई काम नहीं है। शादी का बोझ आपके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने अपनी बेटी को पढ़ा दिया तो सही और गलत का डिसीज़न आपकी बेटी भी खुद ले सकती है। क्यों? बिल्कुल। तो आगे देखते हैं। इतना पढ़ौला लिखौला के बाद भी अपना बिट्टू के बिया खातिर ना लड़का वालन खाली दहेज मांगता है। देखते तुम्हारा ब्याह में ना हम अपना कंधा पे ना तुम्हारा डोली को उठाएंगे। हमारा शादी इतना जल्दी मत करिए ना, कुछ दिन और रहने दीजिए ना ये घर में। लेकिन तो हमें परायाधन करती है ना, वो तो उगती कहीं और है और फलती कहीं और जाकर के है, बुझी? तो बाबू को सुधीर जी के बारे में काहे नहीं बताती हो, तो तुमको पसंद भी करते हैं ना। तो भागी यहाँ से। कि अगर हमारा प्यार सच्चा है ना तो एक न एक दिन हमारा मिलन जरूर होगा। आ गई पिशाचिनी, मालकिनी कहते हैं हमको, मालकिनी। अरे हमारी प्यारी बहनिया के करतूत से कुड़कुड़ के ताप का पूरा दमिला को मार दिया है। आपके लगे जो पैसा जमा करके रखे हैं ना, तब वो अगर दे देती तो अपना दमाजी के बुलेट मोटरसाइकिल दे देते हम भी। अन्न बजाए आप लोग और अन्नदाता वो हो गई मालकिनी। हाँ, हमारे चले जाने के बाद बापू एकदम अकेले हो जाएंगे सुधीर जी। हर बाप का सबसे बड़ा सपना होता है अपनी बेटिया कन्यादान करना, इससे अलग मत कीजिए उनको। आज से हम दोनों बहनी भी आपके साथ काम करेंगे। आपके सामने एक लचारा पाहिज वंदना है। वो हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। आपका सोच इतना कंजूस कैसे हो गया कि कष्ट में किसी का साथ छोड़ दे। प्यार के पनपत पतैया सूरज बगीचा वाला जमीने बेच दो। अरे पगला गए हो कहां? कबोना को मिलावे सब कहता है छुटकी पगला गया। गरीबी के दलदल से कैसे भी निकल जाता है। आप जैसा पिता भगवान सबको दे, पर आप जैसा पिता को भगवान गरीब और लाचार ना बनाए। सो गाइज ट्रेलर देख लिया। ट्रेलर अराउंड 4 मिनट का ट्रेलर था और ये देख के ना मतलब बस रोना नहीं आया इतना। मैं बस रोना आ रहा है बट हम रो नहीं पाए बिकॉज ये इसमें एक बाप की कहानी दिखाई गई है कि वो पूरी ज़िंदगी एक मेहनत करता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ बेटियों को और उसके बाद उसकी शादी करूँ और शादी के बाद फिर वही दहेज वाला सिस्टम। तो वही यहाँ दिखाया गया है कि वो चाहता है कि मेरी बेटी पढ़े लिखे और उसके अच्छे से शादी करूँ और शादी के टाइम पे फिर दहेज की डिमांड होती है, नहीं देते तो उसके साथ फिर कुछ गलत होता है और उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है लड़की की। तो ये एक मूवी के उसमें एक सोशल मैसेज देने की कोशिश की गई है। अवधेश जी ने ये बहुत अच्छी कोशिश की है और इस कोशिश करने में हिम्मत चाहिए बहुत जो उन्होंने दिखाई है। और ये मूवी जो आएगी ना एक अच्छी सीख दे के जाएगी लोगों को, जो कि बहुत ज़रूरत है हमारे देश में, क्योंकि आज के टाइम में भी लड़कियों को चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हों उनको दहेज के साथ ही लाना पसंद करते हैं लोग। क्यों? बिल्कुल, ये तो हमारे देश में हमेशा से देखता चलता हुआ आ रहा है। दहेज दहेज मुझे नहीं पता क्या होता है ये दहेज। मतलब अब तो चलो पहले अब तो मतलब लड़कियों को एजुकेटेड भी कर रहे हैं माँ बाप, देन उसके बाद भी लोग दहेज की डिमांड करते हैं। और अब ऐसा हो गया जितनी ज़्यादा एजुकेशन उतना ज़्यादा दहेज। मतलब ये मतलब आपको एक बाप है जो आपको एक अपनी बेटी भी दे रहा है एजुकेटेड, एंड उसके बाद आपको दहेज भी चाहिए। पूरी ज़िंदगी वो आपको कमा के भी दे और फिर वो आप उससे दहेज और उसके पापा से दहेज भी लो। तो ये बहुत गंदा सिस्टम है जो कि नहीं होना चाहिए। कितनी मेहनत से एक बाप अपने फैमिली को चलाता है, मतलब हर कोई पिता अपनी फैमिली को चलाता है, सारी ज़रूरतें पूरी करता है, उसके बाद उसका लास्ट होता है मेरे बच्चे पढ़े लिखे कुछ बने। और बेटियों का तो माँ बाप का यही होता है अच्छा अच्छा एजुकेशन दे और उसके बाद शादी करें। शादी में एंड क्या आ जाता है कि दहेज। जो मतलब होते हैं कुछ लोग जिनके जो कर पाते हैं, कुछ होते हैं जो ऐसे नहीं कर पाते हैं। पर ये इस चीज़ को इतना ज़रूरी ना बनाएं लाइफ में कि ये ना हो तो कुछ ना हो। तो गाइज़ अगर एक बार आप ध्यान से सोच के देखें ना कि अगर कोई माँ बाप अपनी बेटी आपको नहीं देंगे तो आप बोलते ना कि हमारी नाम है हमारा वंश है, आपका वंश कहाँ से चलाओगे? आप बेटों से ही चला लेंगे अपने तो आप। और खुद ये एक चीज़ ये सोचिए क्या नाम है कि हमारे देश में भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर लड़की और लड़कों का जो रेशो है वो बहुत ही इनबैलेंस हो चुका है। वहाँ लड़कियों को आने ही नहीं देते उसमें और फिर पर उनको बहू सबको चाहिए होती है, बेटी किसी को नहीं चाहिए वहाँ पे। और ये सोच जब तक इंसान खुद अपने घर में अपने मोहल्ले में अपने रिश्तेदारों में नहीं बदलेगा तब तक कोई पूरे देश में तो कभी नहीं बदल सकता। आप अपनी पूरे देश की जिम्मेदारी छोड़िए, सिर्फ अपनी सोच बदलिए, अपने घर वालों की सोच बदलिए और अपने आसपास की अगर दोस्त रिलेटिव किसी की बदल सकते हैं तो उनकी बदलिए और इसी से ही सबका भला होगा। अगर कोई कितना भी एजुकेटेड है आज के टाइम में कितना भी, लेकिन अगर उसकी सोच दहेज पे अटकी है ना तो मुझे नहीं लगता वो एजुकेटेड है। वो फिर बिल्कुल कहते हैं ना गांव में जो रहते हैं उनसे भी ज़्यादा गया गुजरा इंसान है, क्योंकि ये सोच अच्छी नहीं है आज के टाइम पे। ना वैसे गांव वाले भी समझदार हो रहे हैं, सब समझदार हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी सोच ऐसी है। बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे हैं जहाँ पर लड़की शादी वाले दिन भी मना कर देती है कि इसने दहेज मांगे मुझे शादी नहीं करनी। तो इसके लिए क्या है, लड़कियों को खुद स्टैंड लेना चाहिए। लड़कियां ये ना सोचें कि मतलब अगर कोई रिश्ता हो गया है, इसमें अगर दहेज की डिमांड हो गई है कि मैं कुछ नहीं बोल सकती। अरे आप क्यों नहीं कुछ बोल सकते? शादी आपकी है, आपके पापा की आपकी मम्मी कुछ नहीं करेंगे, वो बेचारे आज आपको देंगे फिर कल भी देते रहेंगे। तो लड़कियाँ जब इतनी एजुकेटेड हो गई तो वो खुद बोल सकती, खुद स्टैंड ले सकती हैं आजकल की लड़कियाँ। तो इसमें लड़कियों को ही आगे आना चाहिए। ये ट्रेलर बहुत अच्छा है, मूवी बहुत अच्छी होगी और ओरिजिनल ट्रेलर का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा, जाके उसे देखें। और अगर आप हमारी बात से सहमत हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपकी सोच क्या है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। आप मिलेंगे आपसे किसी अगले रिएक्शन वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अब ओके, बाय बाय।